रुख करते हैं भोपाल से आ रहे जहां पे न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार एक्सक्लूसिवली बोले हैं, मदरसों में पांचवी आठवीं बोर्ड में नहीं शामिल हुए हैं बच्चे और बोर्ड में नहीं शामिल हुए हैं 15,000 से ज्यादा बच्चे और स्कूल। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का ये बड़ा बयान है। मदरसा संचालकों को सोची समझी रणनीति भी हो सकती है ये, और ये मामला बहुत गंभीर है। डिटेल एनालिसिस और मदरसा संचालक से संवाद कर रहे हैं। अवैध मदरसा को लेकर भी मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। प्रदेश में फिलहाल 1000 अवैध मदरसे हैं और जो सरकार के अनुदान के बिना चल रहे हैं, उनकी शिक्षा की नियत होनी चाहिए। मदरसों में ट्रांसपेरेंसी और हाईटेक करने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा विभाग लगातार नए नवाचार कर रहा है और इस बार मदरसों के साथ साथ स्कूलों में भी पांचवी और आठवीं बोर्ड की परीक्षा का आयोजन किया गया। लेकिन ये सामने आया है कि पांचवी और आठवीं बोर्ड में मदरसों में खास तौर पर काफी ज्यादा जो है बच्चे शामिल नहीं हुए। स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, जो आंकड़े निकल कर सामने आए स्कूल शिक्षा विभाग में, क्यों आखिरकार जो है मदरसे के बच्चे शामिल नहीं हो पा रहे हैं परीक्षाओं में? देखिए, हमने सोचा था कि जितने बच्चे पाँचवीं और आठवीं में पढ़ रहे हैं मदरसों में, वो सब बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हो गए। लेकिन ध्यान में आया कि आधे बच्चे भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए। ये बहुत गंभीर विषय है। या बच्चों ने जानबूझ करके परीक्षा में बैठना उचित नहीं समझा, या फिर वो जो मदरसे संचालक है उनकी कोई सोची समझी रणनीति होगी। हम इस पर डिटेल पूरा एनालिसिस कर रहे हैं और उन मदरसों से भी हम संवाद कर रहे हैं कि भाई आखिर में ऐसी स्थिति क्यों बनी, या ये बच्चे मदरसे भी छोड़कर गए और दूसरे स्कूलों में भी इन्होंने एडमिशन नहीं लिया, तो आखिर में बच्चे बीच में छोड़कर जा रहे हैं, उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो रही है। तो स्कूल शिक्षा विभाग उस पर ठीक से अध्ययन करा करके पूरा एनालिसिस करके और ठीक रूप से हम ये कोशिश करेंगे कि वो बच्चे किसी न किसी स्कूल में जाए, मदरसे में पढ़े, स्कूली शिक्षा प्राप्त करें मदरसों से या फिर अन्य स्कूलों से करें, हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे। सोची समझे रणनीति की सर आपने बात की, क्या ये रणनीति हो सकती है? क्या शिक्षा से दूर रखना चाह रहे हैं और सिर्फ जो धार्मिक ग्रंथों का शिक्षा देना चाह रहे हैं मदरसों में? देखिए, जैसे कोई सरकारी स्कूल चलते हैं और सरकारी स्कूल के बच्चों को बोर्ड के परीक्षा में बैठना चाहिए, उसकी चिंता संस्था के प्राचार्य करते हैं और ऊपर के अधिकारी भी करते हैं। इसी प्रकार से जो प्राइवेट स्कूल है, जो ट्रस्टों के द्वारा संचालित होते हैं, सामाजिक समितियों के द्वारा संचालित होते हैं या कोई घराने उनको संचालित करते हैं, वहाँ के बच्चे भी 100% परीक्षाओं में बैठने के लिए आतुर रहते हैं और व्यवस्था भी उनको प्रेरित करने का काम करती है। हमारी अपेक्षा मदरसों से भी यही थी, क्योंकि वो भी शिक्षा के एक बड़े हिस्से में काम करते हैं, इसलिए उनके वहाँ के बच्चों को भी पाँचवीं और आठवीं की बोर्ड पैटर्न की परीक्षा में सम्मिलित 100% करना चाहिए था। लेकिन ये आंकड़ों का जो अंतर आ रहा, बहुत बड़ा अंतर है। कुछ 100-200 बच्चे यदि किसी कारण नहीं बैठते हैं, कोई बीमार हो गया, कोई और कोई घटना हो गई तो बात अलग है, लेकिन बड़ी संख्या में अंतर आया है। इसलिए हम इसको ठीक से पूरा परीक्षण करा करके आगे क्या उसका व्यवस्था की जाए उस पर काम करेंगे। अवैध मदरसों को वैध करने की कोई प्रक्रिया चलाई जाएगी? बार बार हम सारे जितने मदरसा चलाते हैं ऐसे सारे लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि भाई आप लोग मदरसा चलाइए, लेकिन सरकार के साथ पंजीकृत कर लीजिए और सरकार की व्यवस्था में, क्योंकि बच्चों का करियर का सवाल है, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारी जो बोर्ड पाँचवीं और आठवीं का होता है उसमें सम्मिलित कराइए, दसवीं में सम्मिलित कराइए, बारहवीं में सम्मिलित कराइए और जो यहाँ का शिक्षा की व्यवस्था है उस व्यवस्था में उनको रेगुलर करिए। बिल्कुल, स्कूली शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार जी थे हमारे साथ यहाँ पर। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो बड़ा गैप आ रहा है कि क्यों आखिरकार मदरसों में बच्चे परीक्षाओं में शामिल नहीं हो रहे हैं, इसकी पूरी परीक्षण स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से की जाएगी और अवैध मदरसों में क्या कुछ गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं और किस तरीके की राशि आ रही है, इसको लेकर भी जाँच लगातार सरकार की ओर से की जाएगी। कैमरा भरत बुंदेला के साथ अमृतांशी जोशी, न्यूज़ 24।